मैसेज के साथ, इन अपने अशार के साथ मैं वो मैसेज देना चाहता हूँ कि जो दुनिया पूरी देख रही है इस वक्त आयुष की तरफ, जमाना आगे आयुष का है, और उसमें इस दौड़ पे जिसने अपने आप को साबित कर दिया, डॉक्टर बीडी खान टू काइंडली कम ऑन द डाइस एंड शेयर हिज व्यूज, डॉक्टर बीडी खान। ये अपने आप हिंदुस्तान में ये पहला है, पहला इंस्टीट्यूशन होगा ये जो दया पसी हो रहा है। डेफिनेशन का जो शुरुआत की थी हमारे हकीम अकबर खान साहब ने, उसको जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए तो उन्होंने जिस स्थापना करके वो हकीम अकबर खान साहब के जो खड़े हुए उन्होंने कहा नहीं ये नॉन साइंटिफिक नहीं है, ये आयुष सिस्टम हमारा साइंटिफिक है, और उसकी सेहत के लिए उसकी जिंदगी की को संभालने की जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है। तो ये छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ इसको अपनी रोजी रोटी से दी है। एक चीज और देखिए, ये तो मिलती रहे तो उसकी जस्तुई और बढ़ती जाती है कि इसके बाद और कैडेट्स मिलने वाले। फिलहाल अब एकेडमिक से कोई इस तरह का ताल्लुक हमारा नहीं है, दी गई है चाहे गवर्नमेंट के ताल्लुक से हो चाहे जो पब्लिक के एक्सपेक्टेशंस हैं, हम उस पर खरे उतरने की कोशिश करें। उसमें कंफ्रंटेशन, आई एम ऑलवेज कमिटेड विद माय नेशन, आई एम ऑलवेज कमिटेड विद माय रिलीजन, आई एम ऑलवेज कमिटेड by system in which I am working and that is unanimity। जो तेरी ओल ये आती है, पूछ ये मत कि तू रिश्ते में मेरा क्या लगता है। Today, Department of Ayush, Jammu and Kashmir is celebrating fifth World Yunani Day in honor of the birth centenary of Hakim Ajmal Khan. ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि जो एक कंपोनेंट यूनानी है आयुष का, उसको उसके फ़रोग के लिए मनाया जाता है। इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इसको हर साल 11 फरवरी को मनाता है, और इसमें हमारा फोकस ये होता है कि जो डेवलपमेंट्स पूरे साल में हो गई होती हैं इस पे उनको फेलिसिटेट किया जाता है, और आगे का जो इस डिपार्टमेंट में आगे का जो काम करना है उसमें डेलिब्रेशंस होती है, उसमें प्लान्स बनाए जाते हैं फर्दर जो पूरे साल में करना होता है। डायरेक्टर ISM आयुष जेंड के, आज मैं बड़े खुशी के साथ ये बता रहा हूँ कि आज हम फिफ्थ वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये फिफ्थ वर्ल्ड यूनानी डे जो है ये हकीम अजमल खान साहब, जो कि एक बहुत बड़े यूनानी सिस्टम के साइंटिस्ट और बहुत बड़े रिसर्चर रहे हैं, बहुत बड़े पोइट रहे हैं, तो उनके जन्मदिन के दिन ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको वर्ल्ड यूनानी डे डिक्लेयर किया है कुछ साल पहले, और ये इस बार हम फिफ्थ वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरी तरफ से सारी यूनानी फ्रेटर्निटी को ये मैसेज है कि जो हकीम अजमल खान साहब ने प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव फिलासफी ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर लोगों को ट्रीट किया, मैनेज किया और अवेयर किया, उसी तरह हमारी जो यूनानी फ्रेटर्निटी है उसी लाइन पे चल के, ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा हकीम साहब को कि अगर हम उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलें और उसी सिस्टम से उसी तरह होलिस्टिक हेल्थ केयर लोगों को प्रोवाइड करें। और यही मेरा आज अपनी तरफ से ये मैसेज है, और हमें आज ये बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है कि खुशी की बात ये है कि आज के दिन पहला बैच गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज श्रीनगर में एडमिशन लेने जा रहा है, जो कि वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जनाब अटल डुल्लू साहब के कारण ये पॉसिबल हुआ है। ये हमारे लिए आज इस खुशी के मुकाम पर डबल खुशी हो गई। ये बहुत बड़ा हमें गिफ्ट मिला है कि गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एडमिशन होने